अपने देश के प्रति गर्व करना सीखे। जो लोग अपनी भाषा, अपने वतन, अपने रहन सहन और अपनी सभ्यता पे गर्व नहीं करते, उस देश को गुलाम होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखिए, आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं तो हमें कभी हमारे पूर्वजों को इस देश पे बड़ा गर्व था। अभी एक हामिद अंसारी जी बोल गए कि हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। क्या समझा है? 10 साल बड़े सुरक्षित रहे भाई, खूब मलाई खाई, तब नहीं कहा कि उपराष्ट्रपति असुरक्षित है? तब बड़े सुरक्षित रहे आप, जाते जाते ऐसा जहर उगल गए, जो बात असुरक्षा की पहले उठी थी उसे शांत कर दिया गया था, फिर वही मुद्दा जिंदा कर गए। नेताओं की समझ भी नहीं आता इनकी जात क्या होती है, विचार करिए, सोचना है। मैं कहता हूं हमारा देश मुसलमानों से कभी नफरत नहीं करता है। यदि मुसलमानों से नफरत करता तो ध्यान रखिए तिरंगा नहीं होता, लाल किले पर भगवा फहरा रहा होता। ध्यान रखिए, यदि नफरत करता ये देश मुसलमानों से तो ये तिरंगा तिरंगा नहीं होता। एक बात ध्यान रखिए, ये तिरंगे को देखिए, ऊपर भगवा फहर रहा है और बीच में ईसाइयों का सफेद रंग है और नीचे मुसलमानों का हरा रंग है। तो एक आदमी ने पूछा कि जैनियों तुम्हारा क्या है? हिंदुओं का भगवा है, ईसाइयों का सफेद है और मुसलमानों का हरा रंग है, तुम्हारा क्या है? इनका इसमें जो चक्र है ना, उसमें 24 आरे हैं, वो जैनों के 24 तीर्थंकर हुआ करते हैं। ये हमारे देश का झंडा है, ध्यान रखिए, यान बान और शान है। पंजाबियों से कहा तुम्हारा क्या है, बोले डंडा क्या तुम्हारे बाप का है, डंडा पंजाबियों का है, ध्यान रखिए, तब तो झंडा बनेगा। धन्यवाद, सबका है उसमें सबका। यदि ये देश मुसलमानों से नफरत करता तो हरा रंग कभी इस झंडे पर लहराता हुआ दिखाई नहीं देता। ये देश तो सबसे प्यार करता है। अरे हमारा देश तो वो देश है, मुसलमान तो बहुत बड़ी चीज है, हमारे यहाँ तो चींटी से भी प्यार किया जाता है, हमारे यहाँ तो पेड़ पौधों से प्यार किया जाता है, हमारे यहाँ तो हवाओं से प्यार किया जाता है। मुसलमान से इस देश को नफरत नहीं है। हाँ, ये देश नफरत करता है अफजल गुरु से, ये देश नफरत करता है कसाब से, ये देश प्यार करता है अब्दुल कलाम से। ध्यान रखिए, अब्दुल कलाम से प्यार करता है ये देश। विचार करिए, राष्ट्रपतियों में अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति आज तक इस देश को प्राप्त नहीं हुआ है। ध्यान रखिए, ना हमें रंग से नफरत है, ना जाति से नफरत है, ना मजहब से नफरत है। देश तो सम्मान करता है राष्ट्रभक्तों का। राष्ट्रद्रोही यदि हिंदू भी हुआ तो देश उससे भी नफरत किया करता है। मानने वाला ऐसा हमारा देश कहां नफरत है? प्रेम से रहते हैं, प्रेम से जीते हैं। मानने वाला यदि देश नफरत करता तो मुसलमान उपराष्ट्रपति बन सकता था इस देश में? विचार करिए, सरदार राष्ट्र प्रधानमंत्री बन सकता था इस देश में? अरे मेरा देश तो वो देश है, कौन कहता है भारत भूखा मर रहा है? विचार करिए, कौन कहता है भारत भूखा मर रहा है? चाय वाला प्रधानमंत्री बन रहा है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन रहा है, झाड़ू वाला मुख्यमंत्री बन रहा है दिल्ली में, चाय वाला प्रधानमंत्री बन रहा है, झाड़ू वाला मुख्यमंत्री बन रहा है, 12वीं पास शिक्षा मंत्री बन रहा है, अंगूठा टेक सरपंच बन रहा है, और पढ़ा लिखा फेसबुक में ग्रुप ग्रुप खेल रहा है। विचार करना है, कौन कह रहा देश भूखा मर रहा है? कितनी तरक्की कर रहा है हमारा देश, विचार करिए आप। एक कुत्ता भारत आ गया विदेश का, एक कुत्ता विदेश का भारत आ गया, भारतीय कुत्ते इकट्ठे हुए,
बोले क्यों रे, तेरे देश में क्या कमी थी जो यहां आ गया है? बोले नहीं, कमी तो कुछ नहीं थी, खाना भी बहुत अच्छा, खान पान अच्छा, रहना अच्छा, जीना अच्छा। तो बोले फिर भारत क्यों आया? बोले भारत में भौंकने की जितनी स्वतंत्रता है वो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। ध्यान रखना, यहां भौंकते रहते हैं लोग, ऊंची कुर्सी पे जाके भी भौंकते ही रहते, करें क्या देश को? विचार करिए, सोचना है आपको। मान्यवर, चाइना ध्यान से सुन ले, हमारे पास सब कुछ है। ये मत समझना कि तोप तमंचे नहीं, बहुत है, हमारे यहाँ तोप तमंचों की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ की तो महिलाएं इतनी तेज हैं, क्या जरूरत है तोप तमंचे की? ये मत सोचना कि बारामती की महिलाएं चूल्हा फूंकना जानती हैं, इनको सीमा पे भेज दो तो पाकिस्तान चाइना को भी फूंक देंगे। ध्यान रखना, ये नहीं, ये ऐसे कोई कमी नहीं है, ये चूड़िया ही नहीं पहनती है। चाइना से इतना ही कह दो कि 62 के दिन तुम हमें याद मत दिलाओ, अब आओगे तो हमारी देश की महिलाएं चूड़ियां भी पहनाएंगी और घांगरा भी पहनाएंगी। ध्यान रखिए, यहां पे आ जाए लगे तो गले का हार है यही औरत, और जिद पर आए तो तलवार है यही औरत। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। चाइना से कह देना हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास युद्ध भी है और हमारे पास बुद्ध भी है। ध्यान रखना, तुम्हारे पास अकेला युद्ध होगा, बुद्ध तो हमारे हैं तुम्हारे पास। हमारे पास युद्ध भी है, हमारे पास बुद्ध भी है, और हमारे देश के पास सेना पे खड़ा वीर भी है तो मंदिर में बैठा कोई महावीर भी है। ध्यान रखना, सेना पे सीमा पे खड़ा कोई वीर है, मंदिर में बैठा कोई महावीर है। हमारे पास महावीर भी है तो हमारे पास महाविनाश भी है। अब चुनना चाइना को है कि महावीर के पास आना है, ये हमारे वीर सैनिकों से जाके निपटना है। युद्ध भी देंगे और बुद्ध भी देंगे। अरे बुद्ध दोगे, बुद्ध लोगे तो चाइना वालों बुद्धिमान हो जाओगे, और युद्ध लोगे तो बुद्धू बन करके रह जाओगे। भारत की ताकत अब बड़ी विशाल ताकत है, सब कुछ है भारत के पास, किसी चीज की कमी नहीं है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, अब बस पसीना बह गया। मुसलमान कभी असुरक्षित नहीं है, हमारे देश में प्रजातंत्र है, और ऐसा प्रजातंत्र दुनिया के किसी भी देश को प्राप्त नहीं हो सकता है। यहां सबका साथ, सबका विकास, अच्छे दिन। बोलो, नहीं आए क्या? जीएसटी को छोड़ो, ज्यादा उस लफड़े हैं, मतलब आज लोग मोदी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसी भी देश की 70 साल पुरानी परंपरा को बदलना पड़े तो वक्त लगता है, समय लगता है मेरे भाई। एक दिन ये देश विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। लोग करते रहे विरोध, मोदी ने नोटबंदी करी, परेशान हुए लोग, ऐसा नहीं परेशान नहीं हुए, लाइन लगाना पड़ी बैंक में, अपने ही पैसे 4,000 लेके संतोष से गुजारा करना पड़ा। लेकिन यदि ये व्यवस्थाएं गलत होती तो नोटबंदी के समय गृह युद्ध छिड़ जाता पूरे देश में। लेकिन परेशान होने के बाद भी लोगों ने विश्वास किया कि नहीं, इसमें भारत का हित है, अपने देश का हित हुआ करता है। याद रखिए, अभी ममता बनर्जी ने कह दिया भाजपा भारत छोड़ो, पगला गई है भाजपा भारत छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी भारत छोड़े। मैंने जब अखबार में पढ़ा मुझे ऐसा लगा, तुम्हें कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा कि कोई सिर फेरे लोग भारत से कह रहे हैं भारत छोड़ो। ध्यान रखिए, मुझे ऐसा लगा कोई सिर फेरे कह रहे हैं भारत से कि भारत छोड़ो। ध्यान रखना, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, आप सोचो कि मैं बीजेपी का आदमी हूं,
मैं कोई प्रचार विचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितने भी दल और जितनी भी पार्टियां इस देश में हैं, केवल भाजपा है जिसके आगे भारतीय शब्द लगता है, बाकी कहीं भी भारतीय शब्द दिखाई नहीं। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, अपन तो निर्दलीय लोग हैं। अपना क्या है, हमारे भगवान महावीर स्वामी जब बैठते हैं, गणेश जब बैठते हैं, सरस्वती जब बैठती है, कमल के फूल पे ही तो बैठते हैं ना। समोसरण में कमल का फूल होता, उस पे भगवान बैठा करते हैं। जब हम बैठते हैं तो बीजेपी के हो जाते हैं, और जब कोई प्रणाम करता है तो कांग्रेसी हो जाते हैं। ध्यान, आशीर्वाद कांग्रेस का पंजा। जब कोई नमस्कार करे तो कांग्रेसी हो जाते हैं। जब जुलूस में हाथी आगे चले तो मायावती आ जाती है, लाइट चली जाए तो लालटेन जल जाती है, और पेट्रोल के भाव बढ़ जाए तो मुलायम की साइकिल आ जाती है। अपन तो सर्वदलीय बैठक वाले हैं।